अक्टूबर महीने में जन्मे लोग तुला राशि के होते हैं। तुला राशि की शुरुआत 21 सितंबर से ही हो जाती है जो 27 अक्टूबर तक रहती है। नमस्कार दोस्तों, बाबा फैक्टो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अगर आप अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो यह जानकारी आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इस महीने में जन्मे लोगों के नेचर कैसे होते हैं इसे बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आप मेरी वीडियो की जानकारी से जुड़े रहोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के लोग मुख्यतः अपनी मानसिक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। हर बात को अपनी मानसिक तुला पर तौलते हैं और फिर सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। ज्ञान प्राप्ति को लेकर भी इनके विशेष रुझान होते हैं और जीवन में अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को लेकर गहन अध्ययन एवं खोज भी करते हैं और हर चीज को संतुलित ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनके सिंबल तुला है जो संतुलन को दिखाते हैं, और ये लोग सामान्यतः कायदे कानूनों को लेकर भी अपना रुझान रखते हैं। इस कारण ये अच्छे वकील और जज भी बन सकते हैं। इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति एवं प्रसन्नता की इच्छा रखते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें निराशा ही मिलती है, क्योंकि ये आशा ही कुछ ज़्यादा कर लेते हैं और प्रेम को भी ये अक्सर अपने मानसिक तुला पर तौलते रहते हैं। इन लोगों में मित्र बनाने की अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए आमतौर पर लोग इनसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। ये अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, साथ ही अध्यात्मवादी एवं रहस्यवादी भी, और किसी खास चीज को लेकर भी इनको पूर्वाभास, मतलब भविष्य में ऐसा होने वाला है या इस काम से इस तरह के रिजल्ट आएंगे, इन्हें पहले से ही मालूम पड़ने लगते हैं। व्यापार व्यवसाय में भी ये सफलता हासिल करते हैं, लेकिन धन की चिंता ज्यादा नहीं करते और आमतौर पर खुद को जुए सट्टेबाजी इस तरह की जोखिम वाले चीजों से या व्यवसाय में पैसा नहीं लगाते हैं। वर्तमान में जीते हैं, अतीत को भूलते हैं और भविष्य की चिंता ज्यादा नहीं करते। इस राशि में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में लंबे या थोड़े समय के लिए किसी न किसी सगे संबंधियों की जिम्मेदारियां उठाते हैं या सेवा करने में निकाल देते हैं। तुला राशि के लोग संतुलित जीवन, सफाई पसंद और अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। साथ ही यह कला, साहित्य और संगीत के भी प्रेमी होते हैं। और ध्यान रहे, हर राशि में अच्छे बुरे, मजबूत कमजोर, हर तरह के लोग रहते हैं और इसमें बताई गई बातें 70-80% आपको देखने को मिल सकती है। तुला राशि का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और अंक ज्योतिष में शुक्र ग्रह के 6 नंबर होते हैं और इनमें अंतर ज्ञान की क्षमता भी होती है, लेकिन इसे अपने तार्किक शक्ति द्वारा अक्सर दबा देते हैं। तुला राशि के लोग सामान्यतः अपने प्रेम एवं स्नेह का प्रदर्शन नहीं करते और अपने प्रेम को भी तौलते रहते हैं, जिससे प्रायः निराशा ही हाथ लगती है। अपने विचारों एवं कार्यों को लेकर भी ये बड़े दृढ़ निश्चय से भरे होते हैं, आदर्शवादी एवं सिद्धांतवादी भी होते हैं। तुला राशि की दोस्ती कुंभ राशि, मिथुन राशि और अपनी ही राशि तुला से, साथ ही मेष राशि से भी ज़्यादा अच्छी रहने की संभावना रहती है। और चलते चलते एक बात और ध्यान में रखें, 20 अक्टूबर के बाद आने वाली वृश्चिक राशि का प्रभाव भी शुरू हो जाता है, जो तुला राशि के साथ 27 अक्टूबर तक संधि काल में रहती है, मतलब साथ साथ रहती है। इसलिए 20 अक्टूबर के बाद जिनके जन्म हुए हैं 21 से 27 अक्टूबर तक, वे लोग तुला राशि के साथ साथ वृश्चिक राशि की भी जानकारी ले ले। वृश्चिक राशि की वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर दोनों राशियों के प्रभाव उस इंसान पर पड़ते हैं। तो दोस्तों, यही थे अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।